मानसून दस्तक देने वाला है और कहीं कहीं बारिश शुरू भी हो गई है। तो सबका मन करता है जब भी बारिश हो तो गर्मा गर्म पकौड़े और गर्म गर्म चाय पीने का। तो चलिए आज हम बनाएंगे बारिश की रेसिपी, मानसून स्पेशल रेसिपी, चीजी ब्रेड पकौड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूछ देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं हॉट एंड स्पाइसी चीजी ब्रेड पकौड़ा। चीजी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए उबले हुए हमने आलू लिए हैं। वजन में 250 ग्राम है या 4 मीडियम साइज के आप उबले हुए आलू लीजिए। इनको अच्छी तरह से छील कर और मैश कर लीजिए मैशर की मदद से। बहुत बारीक मैश नहीं करना है, हल्का सा इसको मोटा ही रखेंगे। स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से भुना पिसा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी जिससे कि कलर अच्छा आए, थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू का रस हमने इसमें ऐड किया है। आप नींबू का रस ऐड नहीं करना चाहते तो पिसी हुई खटाई को भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और काफी सारा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज बारीक टुकड़ों में। अच्छी तरह से सब चीजों को हाथ से पहले हम मिला लेते हैं। आलू का मिक्सचर ये बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में आधा चम्मच तेल डालते हैं, आधा चम्मच साबुत जीरा, जीरा को सौटे कर लेते हैं। जलाएंगे नहीं जीरा, केवल हल्का गुलाबी होने तक जीरा को भून लेंगे। एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज डाली है, प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक हम भून लेते हैं। अब जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया है वो आलू का मिक्सचर इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से आलू के मिक्सचर को मिला लेते हैं। यहाँ पर हमको आलू में थोड़ी सी खटास कम लग रही है तो हमने थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। आलू में सब चीजें अच्छी तरह से मिल गई, आलू अच्छी तरह भुन भी गया है। गैस बंद करके थोड़ा सा इसमें और हरा धनिया डालेंगे और इसको ठंडा होने कल के रख देंगे। जब तक आलू ठंडा हो रहा है तब तक चलिए बेसन का एक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक कप बेसन लिया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको घोलते जाएंगे, बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि बेसन में लम्स ना पड़े। इसलिए पानी भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे, बैचेस में डालेंगे पानी को। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर एकदम स्मूथ होकर तैयार हो गया है। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करते हैं इसमें, टेस्ट के हिसाब से ही रेड चिली पाउडर। और यहाँ पर हमने अजवाइन ली है, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे कि फ्लेवर अच्छा है। क्वार्टर टीस्पून यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डालने से ब्रेड पकौड़ा काफ़ी फ्लफी बनेगा। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा ही पतली होनी चाहिए। एक चम्मच ऑयल मिलाएंगे जिससे कि ब्रेड पकौड़ा काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं, बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है। ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्लाइस के ऊपर हम यहाँ पर ग्रीन चटनी सबसे पहले स्प्रेड करेंगे। ग्रीन चटनी हमने कैसे बनाई है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है वो आलू का मिक्सचर हम स्प्रेड करेंगे, इवनली स्प्रेड करेंगे जिससे कि ब्रेड पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब हमने चीज स्लाइस लिया है, चीज स्लाइस आलू के ऊपर लगाएंगे और दूसरी ब्रेड से हम इसको कवर कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप सारे स्लाइस बनाकर तैयार कर लीजिए। बीच में से हाफ कट कर लेंगे जिससे कि फ्राई करने में हमको आसानी हो। इस तरह से हमने ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लिया है। एक पैन में हमने तेल गरम किया है,
तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब जो बेसन का बैटर हमने बनाया था, ये ब्रेड पकौड़ा उसमें डिप करेंगे और गरम तेल में डाल देंगे। तेल का टेम्परेचर गरम होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड पकौड़ा चिपक जाएगा और काफ़ी ऑयल भी सोक कर लेगा, इसलिए तेल का टेम्परेचर हाई रखना चाहिए। एक बार जब नीचे से थोड़ा ब्रेड पकौड़ा सिक जाए तो आप टेम्परेचर को मीडियम भी कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा तेल डाल देंगे जिससे कि ऊपर से भी अच्छी तरह से पहले थोड़ा सिक जाए। टर्न कर देंगे, जब नीचे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा और इस तरह से ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है ब्रेड पकौड़ा का दोनों साइड से। इस तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्रिस्पी हॉट एंड स्पाइसी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। आप इसको ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इस मानसून में आप ये ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड नमस्ते।